वेलकम्स यू ऑल इन बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन चैनल। टुडे द टॉपिक इज क्लॉज। फर्स्ट पॉइंट इज वेयर क्लॉज। द वेयर क्लॉज अलाउ यू टू स्पेसिफाई ए सर्च कंडीशन फॉर द क्लॉज रिटन बाई क्वेरी। इट मीन्स वेयर क्लॉज का यूज अपन किस लिए करते हैं, जब भी कोई क्वेरी रिटर्न करते हैं तो उसमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, जैसा कि आपने पहले भी किया है। सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इज इक्वल टू 101। इट मीन्स अगर ओनली इतना होता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इट मीन्स वो सारी की सारी रोज को शो करता। बट अगर आपने यहाँ पे वेयर क्लोज का यूज करा है और देन आपने लिखा आई डी इक्वल टू 101, इट मीन्स कि जिसकी आई डी 101 है वही आपका डेटा शो करेगा, वही रो आपकी शो करेगा। तो एग्जांपल देखते हैं अपन। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, आपके सामने एक टेबल है, टेबल में आई डी है, ई नेम है, जॉब है, सैलरी एंड देन कॉन्टैक्ट है। सबसे पहले मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी। अगर मैं इतना ही करता हूँ, इट मीन्स ये सारी की सारी रोज को शो कर रहा है। पर अगर अपन चाहते हैं किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको किसी पर्टिकुलर रो को शो करना है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आपको देखना है, तो आप के यूज करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इज इक्वल टू 101 या 103, जो भी आप इंसर्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आंसर आया है 103 वाली रो का ही आंसर आया है। इट मीन्स कि जिस भी रिकॉर्ड को आप लेना चाहते हो वही रिकॉर्ड आपके सामने शो होगा। कब होगा, जब आप वेयर कंडीशन का यूज करोगे, वेयर क्लोज का यूज करोगे। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी, वो आती है ऑर्डर बाय क्लॉज। द ऑर्डर बाय क्लॉज अलाउ यू टू शॉर्ट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू कॉलम। अकॉर्डिंग टू कॉलम अगर अपन को रिजल्ट शॉर्ट करना है तो अपन क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। जैसे अगर मान लो मेरे को आई डी के अकॉर्डिंग लेना है तो आई डी 101, 2, 3, 4, 5, इट मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आप सेट करना चाहते हो। इसके अलावा आप नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हो तो नेम के अकॉर्डिंग भी आप अपनी टेबल को शॉर्ट कर सकते हो। तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो जैसे अपन का एग्जांपल दे रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय नेम, इट मीन्स आपका डेटा है नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखते हैं अपनी टेबल है, उसमें अपन करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय, यहाँ पे ई नेम अपना कॉलम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ई नेम। तो आप देख पा रहे हैं कि सब अपना जो आंसर आ रहा है उसमें सबसे पहले गौरव, गीत, देन माधव, मानव, राघव, राम, राम। इट मीन्स जो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आपके आंसर आ रहा है। पर आप देख पा रहे हो कि आई डी है सबसे पहले 106 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 5, 4, 1 और 2। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ई नेम के अकॉर्डिंग आ रहा है। पर अगर मैं बात करूँ देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर ऑर्डर बाई आई डी, अगर मैं आई डी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करूंगा देन अपना आंसर क्या आ रहा है, 101, 102, 103, 104, 105 और 106 और 107। इट मीन्स ये किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रहा है, आई डी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाई डिफॉल्ट तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, डी एस सी। अगर अपन डी एस सी का यूज करते हैं, इट मीन्स आपका डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 107, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि ऑर्डर बाई क्लोज का यूज अपन क्यों करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या आती है, वो आती है ग्रुप बाई क्लोज। देखो ग्रुप बाई क्लोज का यूज अपन कैसे करते हैं, तो देखते हैं। द ग्रुप बाई क्लोज कंबाइन ऑल दोज रिकॉर्ड दैट आइडेंटिकल वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर फील्ड। ग्रुप बाई क्लोज क्या करेगा, उन सभी रिकॉर्ड को कंबाइन करेगा जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिसकी वैल्यू क्या हो, आइडेंटिकल हो, और ग्रुप ऑफ फील्ड के अंदर भी हो सकती है। दिस ग्रुपिंग रिजल्ट इनटू वन समरी रिकॉर्ड पर ग्रुप इफ ए ग्रुप फंक्शन आर यूज विथ इट। इट मींस अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर अपन ने एक एग्जांपल दे रखा है तो अपन ये कहते हैं सेलेक्ट जॉब कोमा काउंट जॉब। इट मींस आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले जॉब वाला कॉलम है उसको शो करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे काउंट जॉब। इट मींस आप काउंट कर रहे हो जॉब को फ्रॉम ईएमपी टेबल से ग्रुप बाय जॉब, और वो किसके अकॉर्डिंग ग्रुप होगा, जॉब के अकॉर्डिंग होगा। इस बात को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर अपन ये करेंगे कि सबसे पहले मैंने करा सेलेक्ट, देन यहाँ पे करा जॉब, जॉब के बाद में मैंने यहाँ पे करा काउंट जॉब, ओके फ्रॉम ईएमपी, और देन अपन करेंगे यहाँ पे ग्रुप बाय जॉब। इट मींस इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा
इसका मीनिंग ये होगा कि ऊपर वाली जो आपकी टेबल है उसके अंदर आपका डेटा शो हो रहा है, उसके अंदर आप देख पा रहे जॉब है जो कॉलम है उसके अंदर सेल्स आ रहा है, परचेज भी आ रहा है, सेल्स अगेन आ रहा है, देन लॉजिस्टिक आ रहा है। यहाँ पे अपन को जॉब के अकॉर्डिंग डेटा को अपन क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं कि सेल्स वाले डेटा अलग से शो हो जाएं, परचेज वाले अलग से हो जाएं और लॉजिस्टिक वाले अलग से हो जाएं। इट मींस अपन ने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले जॉब वाला कॉलम शो किया है और देन अपन ने काउंट किया है जॉब को। इट मींस जो आपका जॉब में जो वैल्यूज है वो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आएगी वो अपन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो आपने लिखा सेलेक्ट जॉब देन काउंट जॉब, जॉब को आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो फ्रॉम ईएमपी से और देन ग्रुप बाय जॉब। और किसके अकॉर्डिंग ग्रुप कर रहे हो आप, जॉब के अकॉर्डिंग ग्रुप कर रहे हो। तो आप ये देख पा रहे हो कि लॉजिस्टिक यहाँ पे वन टाइम आ रहा है, परचेज यहाँ पे टू टाइम्स आ रहा है और आपका सेल्स यहाँ पे फोर टाइम्स आ रहा है। जैसा कि आपकी टेबल में दिख रहा है सेल्स यहाँ पे फोर टाइम्स है, परचेज यहाँ पे टू टाइम्स और लॉजिस्टिक यहाँ पे वन टाइम है। तो इट मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया, काउंट किया है जॉब को और ग्रुप बाई भी आपने क्या किया है, जॉब किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपना नेक्स्ट आपका आता है वो आता हैविंग क्लोज। देखो हैविंग क्लोज और वेयर क्लोज, वेयर क्लोज का यूज अपन कंडीशन के लिए करते हैं तो हैविंग क्लोज का यूज भी अपन कंडीशन के लिए करते हैं, पर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपका ये होगा कि द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लोज दैट इज वेयर कंडीशन आर अप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल रोज। इट मीन्स इंडिविजुअल रो पे आपकी जो कंडीशन है वो कौन लगाएगा, वेयर क्लोज। इट मीन्स वेयर क्लोज का यूज इंडिविजुअल कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, इंडिविजुअल कंडीशन रोज पिक कर सकते हो। वेयर एज हैविंग क्लोज कंडीशन आर अप्लीकेबल ऑन ग्रुप्स फॉर्म्ड बाई ग्रुप बाई क्लोज। जिस भी आपने ग्रुप बाई को यूज करके ग्रुप बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको हैविंग कंडीशन का यूज करना है, हैविंग क्लोज का यूज करना है, या अपन कहते हैं कि अगर आपने ग्रुप बाई करके अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं उसके ऊपर अगर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो अपन क्या यूज करेंगे, हैविंग क्लोज का यूज करेंगे। देन आपका ये देखा वाइल वेयर कंडीशन कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन हैविंग कंडीशंस कैन डू सो। इट मींस कि आपका वेयर जो आपका क्लोज है वो किस पे काम नहीं करता, एग्रीगेट फंक्शन जो मैंने आपको फाइव फंक्शन बताए हैं, सम है, एवरेज है, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट, उस पे काम नहीं करता, पर हैविंग क्लोज इन पे काम करेगा। कैसे करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट जॉब, यहाँ पे काउंट स्टार, देखो स्टार का मतलब यहाँ पे होता है ऑल रोज, यहाँ पे आप कॉलम का नेम भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्टार भी कर सकते हो। तो मैंने लिखा है सेलेक्ट जॉब काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब एंड देन हैविंग काउंट स्टार लेस देन थ्री। इट मींस कि देखिए कि यहाँ पे दो कॉलम शो होंगे, एक तो जॉब का एक काउंट का। इट मींस जैसा अपन पहले आंसर देख रहे थे वैसा ही आंसर आएगा, पर इसमें अपन ने क्या यूज किया है, हैविंग का यूज किया है। हैविंग क्या कहता है कि काउंट अगर आप कर रहे हो वो लेस देन थ्री होना चाहिए, अगर लेस देन थ्री होगा वही आंसर आपका आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अपन वापस वहीं पे आते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया है, सबसे पहले अपन ये करते हैं कि जैसे अपन ने लास्ट की यूज किया था, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ हैविंग। तो अपन ने क्या किया, सेलेक्ट जॉब काउंट जॉब फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब हैविंग, हैविंग के बाद में अपन ने क्या किया है, यहाँ पे किया है काउंट और यहाँ पे किया है काउंट स्टार और यहाँ पे किया लेस देन थ्री। इट मीन्स वो ही डेटा शो करे जो काउंट के अंदर लेस देन थ्री आ रहा हो। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले आपका सेल्स भी शो हो रहा था पर इस बार ओनली लॉजिस्टिक और परचेज ही शो हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल अगर अपन देखते हैं तो मैं दोबारा आपको टेबल शो करता हूँ। यहाँ पे अपन करते हैं सेलेक्ट स्टार फॉर्म ईएमपी, आप टेबल देख पा रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि आपका डेटा है वो जॉब के अकॉर्डिंग शो हो और अपन को सैलरी है उसका सम करना है, मतलब लॉजिस्टिक की सैलरी है वो सम हो जाए, सेल्स में जितने भी जो एम्प्लॉय काम करें उनकी सैलरी सम हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे करेंगे अपन जॉब कोमा, यहाँ पे करेंगे सम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैविंग का यूज आप किस में भी कर सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी कर सकते हो और ग्रुप बाई का यूज भी आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ कर सकते हो, कब, कंडीशन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम और यहाँ पे सम किसका कर रहे हैं, अपन सैलरी का कर रहे हैं, फ्रॉम ईएमपी और यहां पे करता हूं मैं ग्रुप बाई जॉब। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे क्या आ रहा है, लॉजिस्टिक की सैलरी है वो ऐड होके आ रही है, इसके अलावा परचेज की सैलरी वो ऐड होके आ रही है, इसके अलावा अपनी सेल्स की जितनी भी सैलरी है वो भी ऐड होके आ रही है। इट मींस अकॉर्डिंग टू आपके जॉब वो सैलरी क्या हो रही है, सम हो रही है।
देन इस पे अपन बात करते हैं कि एक और कंडीशन अपन यूज करते हैं, हैविंग क्लोज का यूज करते हैं कि मैंने यहाँ पे किया कि ये तो जो हो ही हो, इसके साथ में क्या हो कि आपका जिसकी सैलरी है वो 20,000 से ग्रेटर देन हो, वो ही शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज हैविंग और देन यहाँ पे करूँगा सम सैलरी ग्रेटर देन 20,000। इट मीन्स जिसकी सैलरी 20,000 से ग्रेटर देन हो वो ही शो करे। तो आप देख पा रहे हैं ओनली सेल्स की सैलरी शो हो रही है, बाकी जो लॉजिस्टिक और परचेज की सैलरी शो नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने फोर क्लॉज, वेयर, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई और हैविंग क्लोज। तो ध्यान रखिएगा दोबारा, हैविंग क्लोज का यूज अपन कब करते हैं, जब अपन को एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना हो या फिर ग्रुप बाई क्लोज के अकॉर्डिंग जो भी डेटा आपने कंबाइन किया उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो।